अस्सलाम वालेकुम मैंगो पीपल, हाउ यू, व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग, ज़ारेब का व्लॉग। और हम वापसी घर आ गए हैं। अब गाइस मैं तुम लोगों को एक सीन बताता हूँ। पीछे शोर इस तरह क्योंकि बेगम जो है वो तैयार हो रही है, हम जा रहे हैं अम्मी के पास। मगर सबसे पहले जो है मैं तुम लोगों को एक सैड न्यूज़ सुना दूँ। सैड न्यूज़ ये है कि जब मैं उम्रे पर गया हुआ था तो जरा आपको बिल्कुल नहीं पता कि मैंने गाड़ी बेच दी है। हमारी गाड़ी बिक गई, हमारी गाड़ी चली गई, टाटा बाय बाय हो गया हमारी गाड़ी का अल्लाह। और अब मैं हूँ गाड़ी के बगैर ख्वार। ये एक मक्खी जो है ना, मक्खी नहीं ये खोता है। हमारी एक्वा चले गई हमें छोड़ के। बस जिस ओनर को सेल करी है उसको मैंने रिक्वेस्ट की थी कि भाई आप मुझे एक बार घर पे दिखा के चले जाना, क्योंकि जरा आपको नहीं पता तो मैं उनको बताऊंगा कि भाई हमने गाड़ी बेच दी है, इसको आखिरी अलविदा कह दें। अब दूसरी गाड़ी मैं ढूंढ रहा हूँ। दूसरी गाड़ी जो मैंने ढूंढी है उस पर इतनी बाधाएँ आई हुई, इतनी मुश्किलें आई हुई, इसीलिए वो गाड़ी मेरे हाथ में नहीं है। वरना यही सीन था कि मैंने ही आना था और गाड़ी मेरे हाथ में होनी थी। खैर अभी सिर्फ ये पता है, अभी सिर्फ मम्मी और मुझे पता है गाड़ी बिक गई है, मगर जरा आपको हम थोड़े टाइम में बता देंगे कि भाई गाड़ी चले गई है। खैर हम लोग खैर अगर तुम लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सदलीमा वाला सलूक किए बगैर चैनल सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन का घंटा दबा दो, क्योंकि हमारे नोटिफिकेशन किसी को जाते ही नहीं है भाई। हमारा पता नहीं क्या मसला है, इसलिए हम कुछ भी नहीं बोल रहे, बस व्लॉग्स डाल रहे हैं। वी आर नॉट फोकसिंग ऑन एनीथिंग, वी आर जस्ट फोकसिंग कि आपको हमारे व्लॉग्स मिलते रहें। सऊदीया में हमारे व्लॉग इसलिए कम थे क्योंकि भाई देखें, और तरतीब इसलिए थी ब्लॉग की क्योंकि और तरतीब इसलिए थी ब्लॉग्स की क्योंकि हमारा सारा अटेंशन हमारी इबादत की तरफ था, और अगर हम ब्लॉग्स में लगते तो हम वो नहीं कर पाते, और वो नहीं कर पाते तो ये नहीं कर पाते। तो मतलब समझ रहे हो कि ये वो ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि अल्लाह ताला सबकी इबादत टूटी फूटी जो हमने जितनी भी की अल्लाह ताला कबूल फरमाया अपनी बारगाह में। मगर ना इसीलिए मैंने प्रायोरिटी ब्लॉग्स को नहीं दी और मैं सिर्फ जो है वो इबादत में था, और इसीलिए बस आउटकम जो भी हम थोड़ा बहुत मस्ती वगैरह कहीं अगर बाहर चले गए, बाज़ार चले गए तो बस वो डालता था। तो बस अभी बेगम जो है बस तैयार हो रही है, गाड़ी हमें लेने के लिए आ रही है क्योंकि अभी हम गाड़ी के बगैर हैं। और जो हमेशा आप लोग पीछे का एक खांचा देखते हो, दैट इज़ फॉर आर एसी। एसी मैंने इस वाले रूम में स्पेसिफिकली नहीं लगाया था क्योंकि कितने एसी लगाऊं भाई, इतना यूज़ ही नहीं था। तो सामने से जब हमारे घर में कोई भी गेस्ट आता है तो हम जो है अपने 2 टन का खतरनाक सा एसी खोलते, तो सामने से ट्रैवल करके ये कमरा वैसे ही ठंडा हो जाता है। तो इसके ऊपर अभी कुछ लगाएंगे या कुछ मंगाऊंगा ताकि ये चीज़ भी छुप जाए। अस्सलाम वालेकुम जी बेगम, कैसी हैं आप? आप ये बताएं कि कैसा लग रहा है आपको अपनी गाड़ी में ना बैठे? बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। जरनाब ने गाड़ी इस तरह चला चला के ख़राब ही कर दी है पूरी। सारा प्रॉब्लम जरनाब का है, कभी ठोक देती हैं कभी ख़राब कर देती हैं। क्या करें आपका? मैं इतनी अच्छी ड्राइवर हूँ कि जब गाड़ी थोड़ा सा मसला करना शुरू हुई थी मैंने डायरेक्ट खालिद को इन्फॉर्म किया था। मैंने कहा लारे अब गाड़ी को कुछ हो रहा है देख लें। नहीं ऐसे ही करते कैसे? और जब हो गया तो बोले हाँ यार बाबा आप तो सही कह रहे हैं, एक अच्छे ड्राइवर की पहचान होती है। सही है, अच्छे ड्राइवर की पहचान होती है। हम तो ऐसे पापड़े हैं ना, हमें तो पता ही नहीं गाड़ी जल्दी कैसे, हम तो रक्षा चलाते हैं। खैर गाड़ी इंशाल्लाह ताला एक दो दिन में आ जाएगी। ये दिला दूँ आपको, ये आप अपनी गाड़ी चाहिए, चलो आपकी गाड़ी ला देंगे। नहीं गंदी है, कोई गाड़ी है यार हटा, ये भी लोगो है ये, अब ये गाड़ी लाना जी। तो हमारे पास गाइस एक जिद्दी बच्चा जिसकी जिद है कि मुझे फालसा चाहिए, उसके अलावा मैं कहीं नहीं जाऊंगी। सीधा कर लीजिएगा सर, वरना हम ही कहीं निकल जाएंगे। गंजे होते हो तो बाल निकलते हैं खाल से, हमें लेने हैं फाल से। वाह ठंडी शायद होता फाल से, तो ना कहीं भी नहीं, आप ये देख लें भाई ऐसा करिएगा कहीं फाल से दिख गया। अरे 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 हाँ भाई यहाँ दिख गया, क्या है घर आए नहीं है भाई, तो फौरन से पहले फाल से धो के ला रही हूँ। हमारी एक बहुत ही अच्छी आंटी हैं, वो जो है खाना घर में बनाती है तो हम उनके हाथ दाल चावल बहुत शोर से खाते हैं, बहुत शोर से खाते हैं। आपने शोर बता नहीं आएगा, शोर मुझे पता आता था भाई, ब्लॉग इसी जगह बनाए मैंने बहुत सारे, समझ आई मेरी बात सुने। और अगर खाना नहीं खाया ना तो रख रख के मुँह पर जो है ना। अबे रितेश कैमरा इधर है, किधर देख रहा है तू? कोई मेरे फाल से नहीं आना भाई। बेगम को जो है ना वो घर छोड़, तो भाई बेगम को जो है ना वो घर छोड़ दिया है। अब मसला सारा ये गाड़ी अपने पास है नहीं, तो शोरूम पे जाना, शोरूम जो है हमारे घर से थोड़ा सा करिए। शोरूम कौन सा
से हमने खरीदी थी एक्वा, और वहीं पर पता लगा कि गाड़ी हमारी सेल होने वाली है क्योंकि पार्टी लग गई और वो बोले अपनी गाड़ी दे दो, चलते हैं मिलते हैं भाइयों से और पूछते हैं क्या सीन है, अपनी गाड़ी भी चाहिए नई गाड़ी भी चाहिए, मिल नहीं रही गाड़ी, क्या करें भाई, नो गाड़ी अवेलेबल इन द मार्केट, सब इतना इतना ओन मांग रहे गाड़ी पे कि क्या बताऊँ। सुना हमारी गाड़ी बेची तुमने? नहीं बताओ बताओ, बाकी गई गाड़ी, गई एक्वा बिक गई, गाड़ी बिक गई हमारी, नहीं बिकी तो मुझे फोन करके क्यों बुलाया? नहीं ना आवाजें निकालो ना, जो निकालते हो इतने मासूम क्यों भरे हो, बिल्ली कुत्ता शबाना। भाई जो है हमारी गाड़ी जो है ना वैसे जोक सा पार्ट बिक गई है, शॉपर ऊपर पड़ा हुआ है, भाई बोले जाके अपना सामान देख लो, पर मैंने रिक्वेस्ट की है कि यार जिसको बेची है ना भाई, मैं उससे मिला खुद भी नहीं हूँ, तो उसको हमने कहा है कि भाई गाड़ी 10 मिनट के लिए दिखा देना ताकि हम बेगम को बोलेंगे आखिरी अलविदा गाड़ी को कर दो, अब जो गाड़ी हमें चाहिए ना वो मिल नहीं रही है, वो मिल नहीं रही है, ढूंढ के तो यार कुछ करो जो है। मुश्तो भाई हमारे पास आ गए हैं, मुश्तो भाई की भी हेल्प चल रही है, हमारी गाड़ी का तो सौदा हो गया है, वो मैंने ओनर को बोला भाई रात में हमें गाड़ी दिखा दो ताकि हम जरना को दिखा दें, अब जो गाड़ी मुझे चाहिए मैं नाम यहाँ पे नहीं बता रहा, मगर वो हमें नहीं मिल पा रही क्योंकि वो है नई गाड़ी, मुझे घर वालों को सरप्राइज़ देना था तो वो गाड़ी बिल्कुल नहीं मिल पा रही, सिर्फ अम्मी को पता है क्योंकि जो है अम्मा ने, मैंने अम्मा को बोला आप भी सोर्स लगा लो तो हमने ना जरनाब को सरप्राइज़ देंगे, मगर वो अरेंज नहीं हो पा रही। अभी हम एक और गाड़ी देखने के लिए आए हैं जो कि ये भाई आए हमारे साथ और इन भाई की बाइक पर आए हैं। कहाँ हाँ कहाँ हैं, और ये औरतों की आवाज़ में बात करता है छिछोरा, देखा कभी इसको दानियाल को? हाँ औरतों की आवाज़ में, औरतों की आवाज़ निकालता है छिछोरा, मैंने देखा। हाँ मैं फड्डे करवाया घर में, बस गाड़ी ढूंढना मिशन हो गया, पैदल अभी रोड पे आ गया हूँ मैं, कल सब तक 6,000 रुपये लग गए मेरे इन ड्राइव पर, 5 लाख रुपये ऑन भी दे रहा है गाड़ी के लिए, 5 लाख रुपये ऊपर दूंगा गाड़ी दो। मैंने नहीं बोला 5 लाख, ऐसा मैंने कभी जिंदगी में नहीं बोला 5 लाख। फाइनली हमारी गाड़ी जो है ना मैंने मंगवा ली जरनाब के लिए, जरनाब आखिरी अलविदा इसको कह दे, ये रही हमारी गाड़ी जो कि अब हमारी नहीं है। ओरी मैडम बहुत नींद में थी, मैंने आके देख लें फिर आपकी गाड़ी जो है वो चले जाएगी, खैर जिसको गाड़ी दी उसने पहले ही गाड़ी मार दी है, आए ना मैं दे रहा हूँ। मैडम आपकी गाड़ी जो है वो अब जा रही है टाटा करते, जनाब जो है ना वो सोई हुई थी आखिरी अलविदा कहते, और जिसको हमने गाड़ी बेची उन्होंने फौरन ठोक भी दिया, पता है आपको? हाँ जाहिर ये अब दे दिया हमने, पैसे आ गए हमारे पास, वहाँ ठुक गई गाड़ी, दिखाऊंगा तो ठुक गई दरवाजे से ड्राइवर वाले जहाँ पहन कर आए स्लीपर्स, गाड़ी जैसा एसी, अपनी गाड़ी जैसा एसी वैसे किसी का था नहीं। अबे मेरा तो गाइस 800 रुपये का नुकसान, मैंने तो अपना वो नहीं निकाला यार इसके अंदर से, इन्होंने बुनियो था वो जो होता है फ्रेशनर, ये लगी जिसको हमने गाड़ी बेची ना उससे भाई से लग भी गई है, इसने गाड़ी का क्या हशर करना है, एसी मस्त चल रहा है एकदम। चलें अब आप कह दें गाड़ी को टाटा कि आपके लिए मंगवाई है स्पेशल, वरना गाड़ी आनी नहीं थी। ये अपना कुछ भी नहीं है, आप इसमें हाथ मार के दे दिया मर्डर का इल्ज़ाम आ जाएगा, अपना नहीं है, सही है। चल अब जाएं वापस सो जाएं, बाय बाय। कैसे देख रही है? सो गाइस गाड़ी अपनी चली गई है, द रीज़न फॉर सेलिंग द कार वॉज के यार काला कलर बहुत तंग कर रहा था, उसके अलावा बस 2-3 मामला थे इसीलिए मैंने गाड़ी जो है वो दे दी। दूसरी चीज़ ये कि मैं बेसिकली ढूंढ रहा था किया स्टॉनिक, क्योंकि स्टॉनिक के रेट्स बहुत गिरे थे और बस किया वालों ने मेरे साथ जो है ना बहुत बुरी करी तो उसकी वजह से गाड़ी आ नहीं सकी, और पहले मैं इसलिए नाम नहीं ले रहा था क्योंकि जरनाब को हमें सरप्राइज़ देना था, तो इसीलिए अम्मी को कहा था कि अम्मी भी रेफरेंस लगा लें कोई ऑफिस वगैरह से कि भाई गाड़ी मिल जाए, गाड़ी पे वेटिंग टाइम बहुत था, 5-5 लाख रुपये ओन मांग रहे हैं, कोई 3.5 लाख मांग रहा है, फिर डिलीवरी टाइम भी कन्फर्म नहीं कर रहे, तो इसीलिए फिर हमने और मैंने जो है वो कंसिडर करना छोड़ दिया गाड़ी के, ये गाड़ी हमें नहीं लेनी, तो अब जो है वो हम गाड़ियाँ ढूंढ रहे हैं इंशाल्लाह ताला, देखते हैं कल फिर से खोज पे लगेंगे नई गाड़ी के लिए, जब तक हमारा जो है वो टैक्सीज और बाइक्स वगैरह पे सफ़र चल रहा है, खैर दुआ कीजिएगा कि हमें अच्छी सी गाड़ी जल्द मिल जाए, और बड़े भारी दिल के साथ हमने गाड़ी दे दी है, तो बस अपना बहुत सारा ख्याल रखें, उम्मीद है आप लोग हमारा ब्लॉग अच्छा लगा होगा, लाली आउट गुल आउट, ओके द